everyone, welcome back to the Pharmacy India. So students, on students demand actually, अभी कुछ दिन पहले हमने एक पोस्ट डाला था that Ayush Jain got the first rank in drug inspector exam in Madhya Pradesh. तो काफी students का demand कि sir, sir के साथ interactive session लेकर आइए, हमें जानना है sir की preparation strategies और भी बहुत सारे question, कहाँ से पढ़े, किस तरीके से तैयारी की. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आयुष जैन को इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ दो पॉइंट्स बताना चाहूंगा. अभी कुछ ही दिन पहले एक इंटरव्यू और आया था फार्मेसी डे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कि एक फार्मा छोड़कर एसडीएम बनने तक का कहानी वो आयुष जैन का ही था, क्योंकि इन्होंने एक एसडीएम का एग्जाम क्वालिफाई किया है, बट साथ ही साथ इन्होंने एमपी ड्रग इंस्पेक्टर विद ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है और आज मध्य प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट पे तैनात है छतरपुर में. और इसी के साथ मैं सबसे पहले बहुत सारी बधाई देना चाहूंगा आयुष जैन को एंड उनकी फैमिली को. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं थैंक यू भी कहना चाहूंगा फॉर शेयरिंग योर व्यूज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन आयुष फॉर दिस अचीवमेंट ऑल्सो. थैंक यू सर एंड थैंक यू फार्मेसी इंडिया टीम मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए और स्टूडेंट्स से कनेक्ट करने. आयुष, कुछ क्वेश्चंस होंगे बच्चों के, क्योंकि बच्चे बहुत कमेंट्स में, आपने भी देखा इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे देखा, यूट्यूब पे देखा, इंस्टाग्राम पे जब बच्चे नीचे कमेंट कर रहे थे कांग्रेचुलेशन सर हमें भी बताइए. तो मैं शुरुआत करूंगा आपकी जर्नी से, कहाँ से शुरुआत करी, कैसे शुरुआत हुई इस ड्रीम, ये ड्रीम जॉब है एक फार्मा के लिए, फार्मा स्टूडेंट के लिए, तो कैसे शुरुआत हुई इस चीज की. बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया है कि फार्मा स्टूडेंट के लिए ड्रीम जॉब होता है, और मैंने भी फार्मेसी स्टार्ट की थी तो मेरे मन में भी था कि ड्रग इंस्पेक्टर एक बहुत अच्छी पोस्ट है, मुझे उसकी प्रिपरेशन करना है और एक ड्रग इंस्पेक्टर बनना है. तो मेरी प्रिपरेशन भी ग्रेजुएशन के टाइम से ही स्टार्ट हुई थी, और जो भी ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है मैंने अलग से कोई बहुत प्रिपरेशन नहीं की थी ग्रेजुएशन के टाइम पे ड्रग इंस्पेक्टर के लिए. लेकिन जब भी मैं अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता था तो हमेशा दिमाग में रख के चलता था कि मुझे पढ़ाई इस तरह से करनी है कि मुझे आगे जाके ये चीज ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी काम आए. तो उसी तरह से मैं नोट्स भी फ्रेम करता था और जो भी अपने सिलेबस होता था उसको अच्छे तरह से पढ़ने की कोशिश करता था, उसके नोट्स फ्रेमिंग करता था. और फिर उसके बाद में जब इसका नोटिफिकेशन आया तो फिर मैंने डेडिकेटेडली प्रिपरेशन स्टार्ट की और इस एग्जाम को क्वालिफाई किया. एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला यहाँ पे नोट्स और सिलेबस का. तो मैं सिलेबस, जैसे कि कोई प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है, पर आपने क्या स्टैंडर्ड मान के चला सिलेबस को, किस तरीके से लेकर चला? बिल्कुल, कोई प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारा जो फार्मेसी का जो सिलेबस है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, और जितना अगर हम उस सिलेबस को खाली कवर भी कर रहे हैं मोर देन इनफ है, उसका हमें अच्छे से प्रिपरेशन करना है. बस एक चीज ये होती है कि ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में कुछ नॉन टेक्निकल पोर्शन भी आते हैं, तो इसका आगे जाके हम पैटर्न भी डिस्कस करेंगे. तो नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए हमें सेपरेटली प्रिपरेशन करनी पड़ सकती है. बाकी मेरा तो मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो उसके भी काफी सारे टॉपिक्स कोइंसाइड कर गए थे तो मुझे इसका बेनिफिट भी मिला था. लेकिन जो मेरे फार्मा फील्ड के जो एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो कोई और प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, केवल फार्मा फील्ड की में ही आगे बढ़ रहे हैं, तो भी मैं उन्हें भी आगे कुछ ऐसे बताऊंगा चीजें कि कैसे वो इस प्रिपरेशन को कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं. जैसा कि यहाँ पर सिलेबस की बात हो रही है, तो एक मेरा पॉइंट यहाँ पर आपसे ये रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है एक्चुअली सिलेबस में, विच सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके अकॉर्डिंग, कैसे देखा जाता है? देखिए, ऑलमोस्ट फार्मेसी बैकग्राउंड से ऑलमोस्ट हर टॉपिक से या हर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस कवर होते हैं, लेकिन कुछ अगर मैं जो मैंने प्रिपरेशन के दौरान जो स्पेशल फोकस पे रखे थे उसमें एक फार्मास्यूटिक्स मैंने स्पेशल फोकस पे रखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिक्स एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है और कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन लार्ज अमाउंट में आते हैं. और एक मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस रखा था, और ज्यूरिस्प्रूडेंस को रखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण यह है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में एफर्ट्स बहुत कम है और आउटपुट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस बहुत कम है, 10-12 कुछ एक्ट्स हैं लगभग, उनको ही हमें कवर करना है, लेकिन उनसे आउटपुट बहुत ज्यादा है. 10-12 एक्ट पढ़ के अगर हमारे 10-12 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ये बहुत मतलब मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम गेन है.
इनको हम रख सकते हैं, बाकी हर टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं, इकोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। इस बार का जो एमपी में ड्रैगन फ्रूट का एग्जाम हुआ था उसमें माइक्रोबायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो ऐसे हर टॉपिक से अनसर्टेनिटी है, तो हमें हर टॉपिक पर फोकस रखना होगा, साथ ही साथ में नॉन टेक्निकल पोर्शन पर भी काफी ध्यान दें। आयुष, एक फनी सा मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये रहेगा, ड्यूरिंग बी फार्मा स्टूडेंट, ड्यूरिंग योर बी फार्मा, आप कैसे स्टूडेंट थे? क्या एवरेज थे, फनी थे, थोड़ा सा नॉटी थे? एक होता है ना कि सर मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा, तो आप उस जर्नी को कैसे बताना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट था, और जो कह सकते काइंड ऑफ नॉटी भी कह सकते हैं, कि कभी क्लासेस बंक भी कर देता था, कई प्रैक्टिकल्स बंक कर देता था, कई प्रैक्टिकल्स में जानबूझ के मन नहीं कर रहा है तो काम नहीं भी किया, थोड़ी रीडिंग्स कई मैनिपुलेट भी कर दी, तो ऐसी चीजें भी चलती रहती थी, फिर काफी कॉमन है, कॉलेज लाइफ का पार्ट है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होना चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना चाहिए, एक एक चीज हम याद नहीं कर सकते हैं लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट हम जरूर अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेरा यही रहता था कि मैं कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखता था अपने, फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू एट सेमेस्टर ये मेरा फोकस रहा, कि हर सेमेस्टर में कुछ टॉपिक्स मैं हमेशा ऐसे रखता था कि जिन्हें मैं बहुत अच्छे से तैयार करता था, और बाकी सभी टॉपिक के कॉन्सेप्ट में क्लियर रखता था। जैसे कि मुझे माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छा लगता था पढ़ना, तो मैंने वो तो अनोइंगली मुझे उसका इंटरेस्ट था, मैंने उसको प्रिपेयर किया। लेकिन ये अभी जब एमपी में ड्रैगन स्ट्रक्चर का एग्जाम हुआ तो हाफ ऑफ द पेपर माइक्रोबायोलॉजी से आया, और ये मेरा लक था कि मेरा वो इंटरेस्ट में भी रहा था, मुझसे बन गया क्वेश्चन। तो ये ऐसा रहता है हमारा, तो कुछ टॉपिक्स तो हमें हमेशा से बहुत अच्छे रखने चाहिए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, एक ड्रग, काफी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के दिमाग में जो जॉब कर रहे हैं, वाकई एक ड्रग इंस्पेक्टर का काम क्या रहता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं सोसाइटी की तरफ, क्या रोल रहता है, बच्चों को ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बार रोल एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि आप तो उस पोस्ट पे तैनात हैं। अच्छा, एक चीज इसमें फनी पार्ट ये रहता है, मैं काम बताने से पहले एक बोलूं, कि जब भी कोई नॉन फार्मा बैकग्राउंड से सुनता है ना कि ड्रग इंस्पेक्टर है, तो उसे लगता है कि यार ये तो ड्रग्स वाला काम होगा, कि गांजा अफीम इनकी सप्लाई को रेगुलेट करते होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अगर फार्मा बैकग्राउंड से, तो हमें पता है कि ड्रग्स का मतलब वो ड्रग्स तो होता है, लेकिन सिर्फ वही नहीं होता है, ड्रग्स मतलब कोई भी मॉलिक्यूल। तो वही काम है कि एक रेगुलर काम तो ये है कि मैं रेगुलर सैंपलिंग करनी होती है, मेडिकल स्टोर पर जाना है, सैंपल कलेक्ट करने होते हैं, मैं जो भी मेडिसिन वहाँ पर हो रही है उनके सैंपल कलेक्ट करने हैं, उनको लैब भेजना होता है, एनालिसिस करवाना होता है कि वो प्रॉपर क्वालिटी उसकी मेंटेन्ड है या नहीं है। साथ ही साथ में हमें जो न्यू मेडिकल स्टोर्स ओपन होते हैं उनकी लाइसेंसिंग प्रोसेस को रेगुलेट करना होता है, न्यू लाइसेंसेस को अप्रूवल देना होता है, जो भी मेडिकल स्टोर जो ओपन हो रहा है उसकी साइट पे जाके विजिट करना होता है, कि जो भी हमारी डीएनसी ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर गाइडलाइंस है, क्या वो उन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है वो मेडिकल या नहीं, अगर वो नहीं कर रहा है तो हमें उसमें मॉडिफिकेशन बताने होते हैं। उसके बाद में हर 5 साल के बाद में मेडिकल्स का रिन्यूअल होता है, तो उन मेडिकल के जो लाइसेंसेज हैं उनको रिन्यू कराना, उनमें जो कमियां हो रही हैं मेडिकल में उसको देखना, तो ऑल एंड ऑल हमारे लिए पूरी जो ड्रग्स की जो सप्लाई है, जो मेडिसिन की जो सप्लाई है अपने जो हमारा जो क्षेत्र होता है उसको हमें रेगुलेट करना होता है। और अगर कुछ भी चीज अगेंस्ट दी लॉ जा रही है या अगेंस्ट दी ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जा रही है, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको रिपोर्ट करें, उसको करेक्ट करें। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं समझता हूँ काफी स्टूडेंट्स को ये हेल्प भी करेगा। और मेरा इसी के साथ एक जुड़ता हुआ क्वेश्चन, हमारे पास काफी मैसेजेस आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, जब भी कोई ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है, बच्चों को ये नहीं समझ पाते हैं कि 18 मंथ्स एक्सपीरियंस जो आप समझ पा रहे हैं, जो आता है ये एलिजिबिलिटी में, ये आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए 18 महीने का एक्सपीरियंस जरूरी है, या बी फार्म ग्रेजुएट भी इसको फिल कर सकता है, अप्लाई कर सकता है? देखिए, ये जो 18 मंथ्स के एक्सपीरियंस की जो बात आती है, वो जनरली जो यूपीएससी जो डीआई का एग्जाम लेता है उसमें देखने को मिलता है। एमपी में तो ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन का मेंशन नहीं है, और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में भी जितना मुझे पता है इसके लिए 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। वो जो चीज कंफ्यूजन में इसलिए आती है क्योंकि यूपीएससी जो एग्जाम दे रहा है उसमें 18 मंथ्स का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मांगते हैं, या फिर स्टेट के डीआई होने का एक्सपीरियंस मांगते हैं।
तो अगर आप स्टेट किसी भी स्टेट के डीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक एज अ बीफार्म ग्रेजुएट आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सो मेरा एक और सवाल रहेगा यहाँ पर नोट्स से रिलेटेड कि आप कैसे बनाते थे और कैसे पढ़ते थे, किस तरीके से क्या चीजें फॉलो करते थे कि एक होता है कि क्योंकि काफी समय हमारा बी फार्म आप 4 साल का है, चार लेक्चर होते हैं, एक लैब होती है, उस दौरान आप कैसे पढ़ते थे, किस तरीके से नोट्स को प्रिपेयर करते। देखिए मेरा हमेशा प्राइम फोकस ये रहा, चाहे मैंने पीएससी की प्रिपरेशन की हो, चाहे डीआई की हो, या फिर जो बीफार्म मैंने किया 4 साल का, उसमें मेरा हमेशा फोकस रहता था हैंड रिटन नोट्स के ऊपर। चाहे मैं कोई बुक पढूं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढूं या इंटरनेट से कुछ भी पढूं, मेरा हमेशा ये होता था कि अगर 4 जगह से भी मैं चीज पढ़ रहा हूं तो सबका 4 जगह का जो भी एक्सट्रैक्ट है उसको मैं अपने हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट कर लेता था। उसका एक बेनिफिट ये होता है कि हमें एग्जाम के एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले जब भी हम उसे पढ़ रहे हैं तो एक जगह हर चीज मिल जाती है, हमारे पास मतलब इतना टाइम नहीं है कि हम 4 जगह ढूंढ सकें चीजों को। तो मैं हैंड रिटन नोट्स अपने खुद प्रिपेयर करता था। बाकी मेरा यही रहता था कि जो भी हमारे जो स्टैंडर्ड बुक्स होती थी उनको ही देख के, मैंने तो बताया भी कि मैंने बी फार्म के समय से ही सारी प्रिपरेशन की है, तो जो ग्रेजुएशन के टाइम में जो बुक्स आती थी जैसे स्टैटिक्स है, तो जो बुक्स हम कई बार सुब्रमण्यम बुक पढ़ा करते थे या विल्सन बुक पढ़ा करते थे तो उनको हम देख लेते थे। उसके बाद में जो भी टॉपिक्स हैं इकोलॉजी है तो क्रेडिटी हम उसके लिए देखते ही थे, कोग्नोसी है तो उसके लिए हम वो सीके को काटे सर की जो बुक आती है उसको देखा करते थे, तो वही स्टैंडर्ड बुक में देखता था। लेकिन मैं उसके खुद से नोट्स प्रिपेयर करते जाता था और उनको एक अलग अलग कलर के हाईलाइटर पेन से हाईलाइट कर लेता था, या उसी के लॉन्ग नोट्स को कई बार शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लेता था, या फिर कोई डायग्राम के फॉर्म में या फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जिससे मेमोराइजिंग पावर कहीं ना कहीं हमारी इंक्रीज हो जाती। तो इस तरह से ही चीजें चलती थी और इतने से मुझे लगता है कि सफिशिएंटली हम सिलेबस को कवर कर सकते हैं। नाउ मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम की तैयारी करने में? बिल्कुल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्प करते हैं। मैं हमेशा ही प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखता था क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर हमारे लिए एक डेप्थ प्रोवाइड करते हैं कि किस टॉपिक को हम कितने डेप्थ तक हमें कवर करना है और किस टॉपिक से रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें उनको ऑब्वियसली ज्यादा फोकस करना है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिससे कम क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि जनरली ऐसा देखा जाता है कि कोग्नोसी के टॉपिक्स लिमिटेड हो जाते हैं, कोग्नोसी से बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आते, वहीं हम देखते हैं कि सिटिक्स जो है उससे बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें फोकस भी उसी तरह से रखना है कि सिटिक्स पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और कोग्नोसी जो कई बार प्रॉब्लमेटिक भी होता है स्टूडेंट्स को रिमेंबर करने में, तो हम उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम फोकस से भी कवर कर सकते हैं टू द पॉइंट पढ़ते हुए। तो इतने प्रीवियस ईयर पेपर से हमारे लिए हेल्प मिल सकती है। बाकी ये है कि हम अपने नोट्स उस फॉर्मेट में बनाएं जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको देखे, उनके हिसाब से टॉपिक वाइज टॉपिक नोट्स बनाएं, तो किसी कोचिंग के भी नोट्स देख सकते हैं, आपके शायद फार्मेसी इंडिया चैनल भी प्रोवाइड करता है अपने उस ऐप पे भी मिलते हैं, तो वहां से भी देख सकते हैं, तो इस तरीके से मुझे लगता है हो जाएगा। नाउ मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा आयुष, टाइम मैनेजमेंट, एक बच्चे को अगर ये ड्रीम जॉब पाना है तो उसको कितना समय देने की जरूरत है एज अ बी फार्म स्टूडेंट की, हाँ भाई 1 घंटा 2 घंटे कुछ समय कुछ डिसिप्लिन आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों? देखिए मैं ये बोलूंगा कि वैसे तो टाइम को नंबर ऑफ आवर्स में डिफाइन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी 1-2 घंटे तो मुझे लगता है इनसफिशियंट होगा क्योंकि 1-2 घंटे में तो हम क्या ही पढ़ पाएंगे, तो मिनिमम 5-6 घंटे 7 घंटे तो हमें देना ही चाहिए। कोई भी एग्जाम हो, चाहे हम जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे नाइपर की कर रहे हैं, या फिर ड्रग इंस्पेक्टर की कर रहे हैं, तो किसी भी एग्जाम की अगर हम कर रहे हैं, और एज अ बीफार्म स्टूडेंट ये तो हमारी हार्डवर्क करना तो हमारी हैबिट नहीं होता है, तो 1-2 घंटे से हमें क्यों सेटिस्फाई होना है जब हम बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 5-7 घंटे तो हमें मिनिमम देना ही चाहिए प्रिपरेशन के लिए, और अगर हम रेगुलरली इतना टाइम दे रहे हैं और ऑनेस्टली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत इजीली हम इसे क्रैक भी कर सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मोटिवेट्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ड्यूरिंग योर मेनली, बहुत सारे हर्डल्स आए होंगे, बहुत सारी परेशानियां आई होंगी मैं समझता हूँ, क्योंकि अप्स एंड डाउन आते हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं बहुत सारे, तो कैसे इसके साथ डील करके कैसे काम की, मतलब किस तरीके से?
देखिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन मतलब अपने अंदर से ही आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो बाहर से मोटिवेशन देखते हैं, लेकिन मैं मेरा ऐसा रहता है कि मैं खुद से ही देखता था कि अपनी फैमिली के बारे में हम सोच सकते हैं कि कितनी एक्सपेक्टेशन है हमारी फैमिली को हमसे, तो उसके बारे में सोच के हम अपने आप को पढ़ाई में लगा सकते हैं, या फिर कई बार हम अपनी घर की कंडीशन को देख के लगा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कई बार कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन यही है कि भाई हमें कुछ बहुत अच्छा अचीव करना है। और एक्सटर्नल मोटिवेशन में तो जनरली मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं करता था, लेकिन एक चीज में जरूर रखता था कि कई बार वीडियो देख लेता था। यूट्यूब पे कई बार रील्स आती है, आप डालेंगे कि वॉइस कट गया है शायद, वॉइस गया था मेरा। हाँ तो मैं बता रहा था कि रील्स कई बार हम देख सकते हैं कि यूट्यूब पे डाल दें कभी हम ड्रग इंस्पेक्टर, तो पता चलेगा कि एक ड्रग इंस्पेक्टर जा रहा है, उसके साथ में गनमैन है और वो मेडिकल स्टोर पे इंस्पेक्शन के लिए जा रहा है। तो कई बार ऐसी चीजें देख के भी हम मोटिवेट हो सकते हैं, तो इन तरीके से अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हम मोटिवेटेड रहेंगे। बाकी मैं तो यही बोलूंगा कि अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने आप पे बिलीव करें तो मोटिवेटेड और वैसे भी रहेंगे। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये भी आया कि सर सैलरी के बारे में जरूर पूछना, कितनी होती है, क्योंकि जो कहीं पर भी स्पेसिफिक नहीं पता होता क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होती है फॉर द डीआई, कि जब आप डीआई की पोस्ट पर तैनात होते हैं तो क्या क्या अवेलेबिलिटीज होती है, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती है। देखिए ये जो पोस्ट है वो स्टेट टू स्टेट वैसे वेरी करती है हर स्टेट में। जैसे कि राजस्थान है, वहां पर डीआई नेम ही अलग होता है, वहाँ ड्रग कंट्रोल ऑफिसर बोला जाता है। तो ये सब चीजें स्टेट टू स्टेट वैसे वेरी करती हैं, बट जनरली ड्रग इंस्पेक्टर का अभी जो पे स्केल है वो 3600 ग्रेड पे चलता है, जिसके हिसाब से लगभग लगभग 45,000 से 50,000 सैलरी इसकी बनती है। लेकिन अभी जो हाल में जो चेंज हुआ है, एमपी गवर्नमेंट ने इसको एक नॉन गैजेटेड पोस्ट से एक गैजेटेड पोस्ट कर दिया है। और गैजेटेड पोस्ट के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए पता भी होगा कि इसका मध्य प्रदेश का जो गजेटियर होता है उसमें हमारा नाम भी पब्लिश होगा, और गैजेटेड पोस्ट मतलब एक बहुत पावरफुल पोस्ट से हम इसको समझ सकते हैं। तो डेफिनेटली अब इसके साथ में जब इसकी पावर्स बढ़ी हैं तो अब इसका ग्रेड भी आगे जाके चेंज होगा, तो और हमारी सैलरी भी बढ़ सकती है, 60,000-70,000 तक भी पहुंच सकते हैं। तो इतने मुझे लगता है कि सैलरी सफिशियंट है और काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। हमारे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी पोस्टिंग होती है, काफी सारे मेडिकल स्टोर्स को हमें इंस्पेक्ट करना है, तो एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपार्ट फ्रॉम सैलरी भी, और फैसिलिटीज भी काफी अच्छी होती है, बहुत अच्छा ऑफिस होता है हमारे पास में, और उसमें काइंड ऑफ हम ही उसमें हेड होते हैं, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। लास्ट में जाते जाते यही पूछना चाहूंगा, बच्चों के लिए क्या मैसेज है जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि काफी लोग ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं, तो आप उनके लिए क्या छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे। मैं एक मैसेज तो ये देना चाहूंगा कि चूंकि हम सभी फार्मा बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो ये बहुत ओबियस होगा कि हमारा फार्मा बैकग्राउंड का नॉलेज एक अच्छा खासा होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कहाँ पीछे रह जाते हैं नॉन टेक्निकल पार्ट में। एक्चुअली स्टूडेंट इंटरव्यू के दौरान एक चीज मिस होगी शायद हमसे, सिलेबस एक बार डिकोड नहीं कर पाए, इसमें दो पार्ट में पेपर होता है, ये टेक्निकल पार्ट होता है इसमें एक, जिसमें फार्मा बैकग्राउंड से क्वेश्चन आते हैं, और एक नॉन टेक्निकल पार्ट होता है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, करेंट अफेयर्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स आते हैं। तो फार्मा स्टूडेंट्स कई बार नॉन टेक्निकल पार्ट को कवर नहीं कर पाते, तो मैं यही बोलूंगा कि सभी स्टूडेंट्स के लिए कि हम नॉन टेक्निकल पार्ट को भी कवर करते हुए चलें। अगर नोटिफिकेशन हमारे सामने है तो रेगुलरली फिर मैथ्स की भी प्रैक्टिस करें, थोड़ा रीजनिंग का भी, क्योंकि भले इनसे 15-15 या 20-20 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्किंग या ओवरऑल कट ऑफ पे जाना है, दोनों पार्ट को मिलाकर जाना, तो हम हर चीज पे फोकस करें। अगर हम थोड़ा बहुत साइंस को भी देखते रहें, थोड़ा बहुत जनरल स्टडीज, करेंट अफेयर्स को भी देखते रहें, न्यूज पेपर भी रीड करते रहें, मैथ रीजनिंग पर भी फोकस रखें, अगर हम दोनों पार्ट को बैलेंस करते चलेंगे तो एक बहुत अच्छे स्कोर तक हम पहुंच सकते हैं, और मुझे लगता है मेरे सिलेक्शन में भी दोनों पार्ट का ही रोल है। ओके, बहुत अच्छा लगा ये जानकर सारी इन्फॉर्मेशन, और मैं समझता हूँ आयुष कि इस इंटरव्यू से और इस इंटरेक्टिव सेशन से काफी स्टूडेंट्स बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि आप भी जान पा रहे हैं अभी तक शायद यूट्यूब पे कुछ ऐसा वीडियो अवेलेबल नहीं है
जो बच्चों को डिटेल्ड में मिल पाए और फार्मेसी इंडिया और आपके साथ, क्योंकि इसका इनिशिएटिव मैं कहूंगा क्रेडिट जो जाता है वो आयुष को ही जाता है कि सर चलिए एक इंटरेक्टिव सेशन करते हैं, बच्चों को हेल्प मिलेगी। और मैं पूरी फार्मेसी इंडिया टीम की तरफ से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ आयुष, दैट थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज, एंड हम इसी तरह से बच्चों को अवगत कराते रहेंगे आपके थ्रू, आप लोगों के थ्रू। मैं चाहता हूँ कि आगे भी आप जुड़े बच्चों की हेल्प करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, और मुझे भी काफी अच्छा लगेगा अगर मुझे अपने फार्मा एक्सपीरियंस से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा, तो जरूर कभी भी अगर ऐसा मौका बनता है तो जरूर मैं रेडी रहूंगा। और थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू, और काफी अच्छा लगा मुझे इस इवेंट के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू। ओके।